नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मंगलवार देर रात्रि लगभग 10:15 बजे पेप्सी कंपनी में अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहे प्रेम सिंह की अज्ञात बदमाशों ने छाता कोतवाली के चंद कदमों की दूरी पर होटल टॉप मोस्ट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के कारण प्रेम सिंह की मौके पर मौत हो गई। मृतक के दोस्त रतन सिंह से मीडिया ने बात करते हुए बताया कि पेप्सी कंपनी में दोनों ड्यूटी करके घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही हम छाता स्थित होटल टॉप मोस्ट पर पहुंचे तो मेरे पीछे बैठे प्रेम सिंह ने मोटरसाइकिल सवारों को गोली मारकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल सवार गोली मारकर फरार हो गया, जिसकी सूचना मैंने अपने घर वालों व पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को KD मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, क्या नाम है आपका? रतन सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई थी आज? हम 10 बजे कंपनी से ड्यूटी करके निकले थे। रात के 10 बजे? रात को 10 बजे जी। और वहां से हम अपने रोड पे, जैसे ही अपने रोड पे हम आए हैं, तो हमारे रोड पे आते ही पल्ली साइड में अपने रोड पे ही, और आइसक्रीम के सामने एक बाइक आई। कितने लोग सवार थे बाइक? दो आदमी सवार जी। वो बाइक आई, उन्होंने पूरा चेहरा ढक रखा था जी। पीछे नंबर प्लेट नहीं थी बाइक पे जी। मोटरसाइकिल कोई भी हो, हीरो होंडा की काल ब्लैक कलर की बाइक थी, मुझे नहीं पता कौन सी कलर की। नंबर प्लेट थी उस पे? नहीं, पिछली नंबर प्लेट नहीं थी। अच्छा। कोई नहीं, हम चले आ रहे, दोनों बतराते चलते आ रहे थे। फिर यहाँ रिंग रोड पे हम आ गए टॉप मोस्ट के सामने जी। टॉप मोस्ट के सामने एक ही मिनट में ही, कोई एक सेकंड में भड़ाक हुआ, और मैंने कही कोई टायर फट गया है क्या? पीछे देखो मेरे कंधा पे किसी को। अच्छा, आपके भी खून लगा हुआ है? पीछे कौन बैठा था? आपके प्रेम बैठा था, जिसको गोली लगी है। कितनी गोलियां लगी प्रेम? एक गोली लगी उसके सर में। वो मैंने बाइक रोकी है, तुरंत मेरी बाइक पे से वो जमीन पे गिर गया है। सर में लगी थी या सर में गोली लगी? अच्छा। जमीन पे मेरी बाइक इतने रोक ना पाए, इतने मेरे तो गिर गया था जी। मैंने तुरंत बाइक देखा, मैंने उसको पलटो तो कहाँ गोली लगी है, तो उसके सिर में गोली लगी थी। मैंने कहा बाइक तो सवार कितने थे? दो आदमी थे। अच्छा, कोई जान पहचान या कोई पुरानी कोई पहचान? आपकी भी ब्लड लगा है तो आपको भी कहीं चोट आई है क्या? कोई चोट ना आई, ये उसी प्रेम का ही खून है। बहुत समय से साथ में ही ड्यूटी कर रहे हैं, साथ में आते हैं, साथ में चल जाते हैं जी। तो हमारे दोनों का साथ में अपने एक दूसरे का प्रेम भाव बना हुआ। अच्छा, काला कपड़ा बांध रखा था मुंह पे? नहीं, सफेद स्वापी बांध रखी थी। सफेद स्वापी दोनों लोगों ने। और मारकर किस तरफ भागे थे? छाता थाने की तरफ। टॉप मोस्ट कुल्लामल फूलचंद के सामने, थाने से थोड़ी दूर। तुरंत जैसे ही मेरे से गिर गया, मैंने उसको देखा है कहाँ गोली लगी है जी। वो लगी है तो देखिए उसके सिर में लगी है। मैं तुरंत ही बाइक लेकर थाने पे पहुंचा हूँ मिनट में। तो क्या उनकी प्रेम की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी या इतना समय मिला के अस्पताल आने तक? ना, मौके पे ही चला गया। मौके पे मृत्यु हो गई, मौके पे ही चला। आज रात्रि लगभग 10:15 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम प्रेम सिंह था, वो अपने फैक्ट्री से काम करके अपने साथी के साथ लौट रहे थे। ये मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए थे तथा इनका साथी मोटरसाइकिल चला रहा था। छाता कस्बे पहुंचने से लगभग 500 मीटर पहले जो साथी था, उनका कहना है कि पीछे से एक दूसरी बाइक पे दो लोग आए जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, और उन्होंने जो पीछे बैठे व्यक्ति प्रेम सिंह को सर में सटाकर गोली मार दी। और उसके बाद जो साथी था इनका, उसने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों से बातचीत की गई है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घटना के मोटिव के बारे में पता लगाया जा रहा है। हमारी कई टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई है, जो आसपास के कैमरे तथा अन्य जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे जानकारी कर रही है मोटिव के बारे में, और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी इस घटना का अनावरण होगा और जो दोषी हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी।